बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आर्मी वसू दे नाल तुहाडा मेज़बान मियाँ खलील। हमेशा दी तरह जाम हज़रत मुराद लाड साहब सारे इन प्रोग्राम दे विच मौजूद हैं। ते अज जिहड़ा साडे प्रोग्राम दा मौजू है वह मौजू है जो सरैकी कल्चर कल्चरल कॉन्फ्रेंस ख्वाजा फरीद दे कंडे दे उत्ते जिहड़ी मनेगी है हुंदी कामयाबी या नाकामी असां हुंदे उत्ते गुफ्तगू करनी है। वह मेरे जरा जहन मने दे असादी वो कॉन्फ्रेंस जरिए ना बड़ी कामयाब थी है और उनको बड़ी पजीराई मिली है। खबरें अखबार त्रै जड़े छपे ना रह गए वाल होने बाद जी रिपोर्ट बड़ी हुई जबरदस्त है। तो ही हवाले ना कुछ लोग कोई इतराजात हैं, कुछ लोग आदि जो बिल्कुल नाकाम थी गई है, कुछ लोग आदि ठीक थी गई है। तो ही हवाले ना अस गुफ्तगु करूँ जाम साहब क्योंकि ही जी कॉन्फ्रेंस कराई है थी है हूँ दे बानी ये हैं इन दे यानी कि मेज़बान ये हैं इन दे उत्ते सेरा वे दे हूँ तो गुफ्तगु करें जो क्या ये सारा प्रोग्राम किस हद तक इन फीडबैक तक पुजा हो से असा कोई डिसीजन जो ये सारी कल्चरल कॉन्फ्रेंस जी कामयाब है या नाकाम रही है या क्या थे इन बारे जाम साहब थोड़ा तजिया करे सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब जिगर मौजूदात के नाल नाल तुम्हारा जिहड़ा अज मौजू चुने सरैकी कल्चरल कॉन्फ्रेंस है और तुहाडे जिहड़े सवालात हैं उन्हें तो अंदाजा थींदे कि ढेर सारे लोग साडे उत्ते इल्जामात भी लाते हैं और ढेर सारे लोग असां को मुबारकबाद दे पैगाम भी भेजे ने और कोई भी अमल होवे कुछ लोग पसंद करें दे कुछ नापसंद करें दे और जी तू आके वे तुहाडी नज़र च ये बहुत वड्डी कामयाब कॉन्फ्रेंस है और मैं भी इहो समझदा ये क्योंकि छेवें साल मुसलसल सरैकी कल्चरल कॉन्फ्रेंस थी पी है और एक कॉन्फ्रेंस जी ही दफा जी थी है मैं समझदा कि असा ही कॉन्फ्रेंस के जड़ा है कामयाबी तो मुतमैन से उनकी वजह यह है कि असाड़ी कॉन्फ्रेंस एक बजे शुरू थी है शाम 5-6 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस का पंडाल मुसलसल मुसलसल रश इतना हा बहान की जा कहना है कुर्सियां घट गया हैं मेहमान वास्ते 24 सोफा उत्ते लवाया गया लेकिन मेहमान की तादाद भी इतनी ज्यादा आई कि असा को पंडाल ही कुर्सियां का चा देते सिटिंग करनी पै गई है और जेडे लोग कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस नाकाम थी है मैं उन्हें को आखे सा कि जड़ा है कॉन्फ्रेंस के हवाले नाल जेडे लोग उतना मौजूद हैं उन्हें को पुजन और बाकी ये है कि जेडे लोग असाड़ी मुखालफत करें दे असाड़े उत्ते मुख्तलिफ इल्जामात भी लेंदे तो मैं ये समझदा कि असाड़े उत्ते जेडे इल्जामात लगदे उनकी मैं ये समझदा कि वो असाड़ी कामयाबी दे इल्जामात होंदे और एक तरीके की मिसाल है जेड़ा कुछ कहनी करें दा वो अलेंदे ते जेडे लोग काम करें दे उन्हें दे उत्ते अंगली उठदी और आंदी है ते ये कुछ गालियां। अच्छा जाम साहब एक मेरा ब्याह सवाल ये है जो एक साफी है ना सारे जिला रहमियार खान दे ठीक है वो ना इतराज से बयान जो ये जरा जाम अजहर मुराद लार साहब हैं ये तो पीपल्स पार्टी ते इन्हें खिलाफ थी गया जो ये सारे सरैकी सूबे दे इशू दी दुश्मन है ये सारे जड़े ना ना कह मुखालत थी गई है बिल्कुल इशू तो हट गए सरैकी सूबा बनावन के हक जी कहनी तो जहाँ ये बिला वाली थान आया रहीम यार का असाजे नाम इस्तकबाल करे सू तो उन्हें आवन को पहले जो है कि सरैकी कल्चर कॉन्फ्रेंस है इन्हें जाम साहब ने मखदूम अहमद महमूद के बेटे को छड़ते जड़े ना वो बिल्कुल जड़े ना ये थी गए समझो ना अमिया साहब थोड़ा तो सवाल में समझ आ गए गल दरअसल ये है कि मैं ही टाइम भी जिड़िया नैशनल पार्टियां मैं उन्हें का मुखालिफ हाँ और जिड़े साड़ी कौम परस्त सरैकी के नाँ के उ मुख्तलिफ जमातें की सपोर्ट करें दे हिमायत करें दे और उन्हें दे वर्कर बड़े वधे सरैकी तहरीक के वास्ते दबाए बाकी जहाँ तक रहेगी गल मखदूम अली महमूद की वो साडे प्रोग्राम में चीफ गैसट हैं और जितने भी कोई प्रोग्राम होंगे सज्जन भी आते रहते हैं उनके दुश्मन भी आते रहते हैं असद इतनी कोई दुश्मन नहीं कहनी असा को उन्हें को सड़न का मकसद यह कि असा अपनी सरैकी कौम का मैसेज उन्हें के जरिए सदर जनूबी पंजाब सरैकिस्तान मखदूम अहमद महमूद तक पुजाऊँ और असा मैं ये समझदा कि कामयाब थी गए थे और बिलावल भुट्टो के दौरे के दौरान मखदूम अहमद महमूद ने दबक अंदाज नाल खिताब करते आके कि हूँ इतों की कौम सूबा सरैकिस्तान मंगती है और बिलावल भुट्टो के नाल रलते असा सूबा सरैकिस्तान बने सूँ ये
ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਗਾਮ ਅਲੀ ਮਹਿਮੂਦ ਚਾਹਤੇਗੇ ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਤੱਕ, ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੈਕੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਬਹੁ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਧੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ, ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ, ਔਰ ਪਠਾਨ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਕੌਮੇ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਡ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਕਜੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੈਕੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੈਕੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ ਦੂੰ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰੈਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰੇ ਦੇਣ, ਅਸਾਂ ਹੁਣੇ ਕੋ ਵੀ ਸੱਡੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣੀਏ ਰਸ਼ੀਦ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੈਕੀ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਬਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਬਾਲ ਸਰੈਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸਰੈਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਸੇਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੈਕੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਖਦੂਮ ਹੋਵੇ, ਵਡੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ ਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁਖਾਲਫ।